हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि वो फिजिकली पूरी तरह से फिट हो, ताकि वो अपने लाइफ के हर एक मुकाम पे स्मूथली काम कर सके। चाहे वो इंटेलेक्चुअल की मैं बात करूँ, चाहे स्पिरिचुअल बोलूँ या इमोशनली बोलूँ, अगर इंसान फिजिकली फिट है तो उसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। और सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के लिए इंसान को फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिट होने के लिए इंसान अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करता है। आजकल मेंटल हेल्थ के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स की है वो आप सब बाखूबी तरीके से जानते ही हैं। और ये कहा भी गया है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। इसलिए हर व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ समय निकाल कर स्पोर्ट्स की ओर ज़रूर आना चाहिए। इस समय मैं JKCA ग्राउंड में हूँ और मेरे साथ अब्रोल जी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मल BCCI मेंबर है और एक्स रांझी प्लेयर भी रह चुके हैं। सर, कल से ये टूर्नामेंट स्टार्ट की गई है, कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है आगे आके इस सब में इंडल्ज होने का, कुछ बच्चे जो हैं अभी भी प्लेटफॉर्म का वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो नेशनल सेक्युलर फोरम ने इधर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है, वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपको पता है कि गेम का हमारे जीवन में कितना योगदान है। तो मैं यही कहूँगा कि इस टूर्नामेंट में जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, आने वाले समय में वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद वो लड़के हमारे अगर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, स्टेट में परफॉर्म करेंगे या इंटर स्टेट या नॉर्थ जोन वगैरह में परफॉर्म करेंगे, आगे चल के वो हिंदुस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए खेल सकते हैं। जैसे कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे होते हैं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल जाते हैं, कहीं जैसे मैं बात करूँ अब्दुल समद की, जो बाहर जाके IPL खेल के आए हैं, कितना प्राउड फील होता है कि अपना देश का, अपने शहर का बच्चा जो है इतना अपने देश का नाम रोशन कर रहा है अपनी जर्सी पहनकर। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल समद को मैंने तब से देखा जब वो हार्डली 10 साल का होगा, तब से मैंने उसको ग्राउंड में देखना शुरू किया। और हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी, हमें अपने आप में एक प्राउड फील करते हैं कि हम अब्दुल समद एक छोटे से स्टेट की तरफ से खेल के और इतना बड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL के लिए खेल रहे हैं और हैदराबाद सनराइज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कप्तान वार्नर हैं। और हमारे जो यंगस्टर हैं उनके लिए अब्दुल समद एक रोल मॉडल है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं जो TV पे मैच देखते हैं, अब्दुल समद को देखते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हमारा भी बेटा ग्राउंड में जाए और अब्दुल समद की तरह परफॉर्म करे और अपनी स्टेट का, अपनी कंट्री का नाम रोशन करे। जैसे रोल मॉडल की आपने बात की है, तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स जैसे सुरेश रैना जी की मैं बात करूँगी, वो यहाँ आकर जो है इन बच्चों को सिखाते हैं, गाइड करते हैं, कितना कुछ बेनिफिशियल इन सब के लिए भी रहता है, कितना बेनिफिट वो चीज़ें इनको देती हैं। एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे, जितना एक्सपीरियंस सुरेश रैना के पास है उतना एक्सपीरियंस तो हमारी स्टेट में किसी के पास नहीं होगा। सुरेश रैना की जैसे सर्विसेज हमारे LG साहब ने ली हैं और हमें ये चाहिए कि उनकी सर्विसेज पूरी अच्छी तरह यूटिलाइज करनी चाहिए। आने वाले समय में अगर जो कोई बच्चे उनके कैंप में जाते हैं और वो बच्चे हमारे स्टेट का या कंट्री का नाम रोशन करेंगे। क्या कुछ जो है यहाँ का जो बच्चे खेलते हैं उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स देखे जा रहे हैं, यंगस्टर्स जो हैं अपने आप को नशे की ओर इंडल्ज करते हैं, कैसे उन लोगों को जो है आप मैसेज देंगे कि उन सबसे हटकर जो है स्पोर्ट्स में आए? देखो, ये जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स बेसिकली हमारा एक स्पाइन है, हमारी एक लाइफ की लाइफ लाइन है। जो हमारा यंगस्टर, कोई भी यंगस्टर भड़का हुआ है, कहीं नशे की तरफ जा रहा है, मैं यही कहूँगा कि उनको ग्राउंड में आना चाहिए। अपना अगर वो ग्राउंड में आके कोई गेम खेलते हैं तो उनका नेचुरली जो रुझान होगा नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। और स्पोर्ट्स एक ऐसी गेम है, अगर कोई बच्चा ग्राउंड में आता है वो अपना फिजिकली फिट होगा, मेंटली टफ होगा, और हमारे जो सिस्टम है उसका, बॉडी का हर चीज़ उसकी ठीक होगा, तो नशे से वो बच्चा दूर ही रहेगा। बेनिफिट जो है इरफान पठान जी का यहाँ पर बच्चों को मिला है, जो जबकि वो जो है रांझी प्लेयर भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर से। इरफान पठान जी की अगर आप बात करें, उनके आने से हमारी टीम क्वालिफाई भी की, उनका तो हमारी स्टेट को बेनिफिट ही हुआ। पिछले 2-3 साल से जो हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, उसमें आप बात कर सकते हैं शुभम की, बात कर सकते हैं यतिन की, कर सकते हैं या परवेज की, कर सकते हैं अब्दुल समद की, बात कर सकते हैं रामदयाल,
उनका जो एक्सपीरियंस हमारे यंगस्टर को मिला, उनके एक्सपीरियंस से हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और हमें यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे एक दो बच्चे जैसे अब्दुल समद, आप टैलेंटेड लड़का है, आने वाले समय में हम यही उम्मीद करेंगे कि वो कंट्री के लिए खेलेगा और हमारी स्टेट का नाम रोशन करेगा। काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स जो है इस ग्राउंड में देखे जाते हैं, क्या आने वाले समय में ओपन टूर्नामेंट्स होंगे कि हर किसी को जो है इसमें खेलने का मौका मिले? जी, इस ग्राउंड में ओपन टूर्नामेंट्स अगर आप बात करें तो JKCA ने आज से 5-6 साल पहले एक ओपन टूर्नामेंट्स करवाई थी, JKPL। उसमें 130 टीमें एंटर की थी जम्मू प्रोविंस की तरफ से, और कश्मीर में भी मेरे हिसाब से 100 टीमें एंटर हुई थी। जो टीमें इधर फाइनल पहुंची थी वो उन्होंने जाके श्रीनगर की जो टीमें फाइनल पहुंची थी उनका आपस में मैचेस हुए थे और उससे भी हमें बड़ा बूस्टिंग हुआ था। अगर स्पोर्ट्स में कोई इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली उसे अपनी फिजिकल डेवलपमेंट करनी होती है, लेकिन आपके हिसाब से सबसे पहले मेंटल हेल्थ होना ज़रूरी है या फिजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है? देखो, स्पोर्ट्स वही आदमी खेल सकता है जो मेंटली टफ होगा। फिटनेस तो ग्राउंड में आके हर आदमी कर लेगा, लेकिन अगर आदमी को आगे जाके आगे अपना सिस्टम चलाना है, अगर उसको स्टेट या कंट्री रिप्रेजेंट करनी है, उस बच्चे को मेंटली टफ होना पड़ेगा। आप खुद एक रणजी प्लेयर रह चुके हैं, एक प्रेशर आता है कि कैसे कुछ हम संभालेंगे, उस प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाए? उस प्रेशर को तभी कंट्रोल किया जाता है अगर आप शाम को ग्राउंड में आ रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह रूटीन में कर रहे हैं। अगर आपको उस प्रेशर को रिलीज़ करना है, मैं ये कहूँगा कि आपको योगा के लिए भी जाना चाहिए। योगा आपको सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा योगा जरूर करनी चाहिए, उसके आपका मेंटली आप उससे और टफ हो जाएंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, क्या कुछ मैसेज आपका उन सब के लिए रहेगा कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों में आगे लाए और इन सब स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें? देखो, जो भी यंगस्टर होगा, मैं यही कहूँगा कि मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। वो मेरे को रिंग कर सकते हैं, उनकी जो भी उनको मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू देम। जैसे वो कहेंगे, कहीं उनको कोई नेट प्रैक्टिस चाहिए, कोई ग्राउंड चाहिए, या कहीं प्राइवेट एकेडमी जो चल रही है उनमें अगर उनको कोई फ़ायदा मिलता है, अगर उन्होंने जाना है, वो मेरे को मिल सकते हैं, मैं उनकी 100% हेल्प कर सकता हूँ। JKCA ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो है उभर के आता है। अगर मैं बात करूँ अब्दुल समद की तो काफ़ी ज़्यादा के अब रोल मॉडल भी वो माने जाते हैं, तो इसी ग्राउंड से शुरुआत की थी उन्होंने प्रैक्टिस। और हालांकि मैं बात करूँ, आज भी यहाँ पर एक मैच था लेकिन बारिश की वजह से जो है वो मैच बीच में रोकना पड़ा है, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो कल से शुरू हो गया है। और जैसे आपने अंकुश अबरोल जी को सुना कि आने वाले समय में पहले भी ओपन टूर्नामेंट हुए हैं और आने वाले समय में भी जो है ओपन टूर्नामेंट ज़रूर करवाए जाएंगे ताकि बाकियों में जिनमें टैलेंट है वो भी अपना टैलेंट जो है उभर के सामने ला पाए और आगे जाके हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। अपने देश की जर्सी पहन कर जब TV पर देखते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स को खेलता तो काफ़ी ज़्यादा एक प्राउड मूमेंट की बात होती है। तो यही प्रैक्टिस की जाएगी, यही पे कोशिश की जाएगी कि ओपन टूर्नामेंट्स करवाए जाएँ ताकि हर कोई जो इस फील्ड में आना चाहता है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। और इस यहाँ के ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं, सुरेश रैना जी हों, अब अब्दुल समद हों या परवेज़ रसूल हों, वो भी यहाँ पर आकर खेल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिल रहा है जो कि क्रिकेट में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में अपने आप अपनी रुचि रखते हैं। तो उन सबके लिए इनका सपोर्ट है। अंकुश अबरोल जी ने जो जो कहा आपने साफ तरीके से सुना भी होगा कि वो आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप लोगों को किसी भी तरह की इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। कई बच्चों का जो है वो सपना है इस ग्राउंड में खेलना, काफ़ी ज़्यादा खेल के निकल चुके हैं और वो भी अभी भी आकर यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस ग्राउंड की कि यहीं से वो जो है अपना टैलेंट उभर के निखार पाए हैं। और काफ़ी ज़्यादा का सपना भी है तो आप अपना सपना जो है वो भी पूरा करें, आप भी कोशिश करें ताकि आप इस ग्राउंड में आके खेल सके और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो है जम्मू कश्मीर से आगे जाए और हम लोगों को जो है वो प्राउड मोमेंट फील हो कि जब हम आप सबको TV पर खेलता हुआ देखते हैं कितना अच्छा और कितना सुकून जो है हम सबको भी मिलता है। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ।